नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर गुरदासपुर से आ रही है। स्वच्छ भारत का असली चेहरा जिला गुरदासपुर का बटाला इलाका दिखा रहा है। यहां पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, लेकिन प्रशासन तो बार बार बटाला को स्वच्छ भारत का रूप दे रहा है। आप जो अपनी स्क्रीन पर जगह जगह कूड़े के लगे ढेर देख रहे हो, यह प्रशासन के उन 8 जोनों की पोल खोल रहा है जो कुछ दिन पहले प्रशासन ने शहर में सफाई रखने के लिए 8 जोन बनाए थे। इलाके के लोग इतने परेशान हैं कि अब तो बरसात के मौसम में कूड़ा पानी में बहकर उनके घर दाखिल हो जाता है। लोगों का बाजार निकलना भी इतना मुश्किल हुआ है कि बीमारी के डर से वो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे। कहीं कोरोना की जब इसी तरह न जितनी हो कि कूड़े के डर से लोग घर से बाहर न निकले। 15 साल तो एमसी यानी थे कड़ी पार्टी दे भारतीय जनता पार्टी तो उस टाइम पोजीशन की थी। इस टाइम दे की हालात ने नहीं प्रॉब्लम जे किसी वेले आंदी है, कोई एक दिन ली आई, कोई दो दिन ली आई, प्रॉब्लम किसी वेले आ सकती है। अभी मानने भी प्रॉब्लम किसी डैम्प की आ गई, कोई आ गई, लेकिन 6-7 महीने तो इन्नी प्रॉब्लम 8-8, 9-9 दिन जो कूड़ा नहीं चुकया जाना, बाकी शहर नालों हर साल चुकया जाता, इतने की प्रॉब्लम आती है। असं एक बार नहीं बड़ी बार कह चुके हैं, बड़ी बार कमिश्नर साहब नूं कह चुके हैं, सेंट्रल इंस्पैक्टर नूं कह चुके हैं, इतने का जोड़ा साढ़े गौरमेंट वालों सफाई सेवादार जो लगाया गया अपने बब्बी उन्होंने भी कह चुके हैं कि बई जो कूड़ा उन्होंने कह के बी डैम्प हों जे कि जगह नहीं हैगी, जो 8 बजे तक डैम्प हों बंद 9 बजे तक चुकी चुकया जाए। इनिया ट्रालियाँ इन्ना सब कुछ है, पर इन्हों सिर्फ एक ही गल है कि भारतीय जनता पार्टी का वार्ड है, तंग करने वाली गल है। अगे भी इतने 15 साल ही काम कराते रहे हैं, एक अद्धे दिन की कोई प्रॉब्लम आई अभी कट्ठे हो गए उदों भी खबर लवाते रहे हैं, भाई किसी की सरकार हो किसी की कमेटी हो नहीं कभी कि पक्षपात किया। साढ़े पहला महला निवासी ने, साढ़े परिवार ने, बाकी सब कुछ बाद। मैं सवेरे सेंट्री इंस्पैक्टर भी फोन किया, एक एक जगह से तीन इन्होंने सफाई सेवक जोड़े बनाए देने इंचार्ज बनाए देने, कितों कोई करेगा। प्रशासन के दावे करता 8 जोन से ही वंड दिता वा कूड़े का, कई डैम्प इतने जगह भी मिल गई है, असं कितने भी नहीं लगन देता, पर तस्वीर वेख के तो लगता नहीं कि इस तरह का माहौल होगा। बिल्कुल जी एवं झूठ प्रशासन दावे करता है। असी अपने लायंस क्लब वालों इन्हों 1 करोड़ किन्ने रुपये की मशीनरी लै दी है, सफाई वास्ते मशीन लै दी है, तुम्हें पता होगा, पर सफाई वास्ते अपने लायंस क्लब समाइल वालों वो यूज़ नहीं कर रहे। उन्होंने मशीन देखो जी जाके कमेटी घर एक साइड पर लाई दी है, अभी उन्होंने व्डे व्डे एक बॉक्स लै के दते ने जो जमीन से जाते हैं गड्ढे जाते हैं, इन्हें एक ही बॉक्स नैरू गेट लाया था वह भी प्रॉपर यूज़ नहीं करते, जिहड़ियां मशीन लै दी वह यूज़ नहीं करते। एक असी प्राइवेट दारा है साडा लायंस क्लब है, असी 1 करोड़ रुपया खर्च के इन्हों लै के दिता, इस करके लै के दिता कि भाई बटाले सफाई रहे, इस करके नहीं लै के दी कि भी उन्होंने चुक के अपने उत्थे अंदर ला देना। प्रशासन वेखे की कर रहा, प्रशासन कितने सुते कमिश्नर साहब जाके वेख फायर ब्रिगेड गड्डिया लगी कि नहीं लगी, चौथे दिन वह कोई ना कोई जान के जो ठेकेदार है कोई ना कोई तोड़ दिता कि भाई कोई 10 टन कूड़ा उस डैम्प हों कि ट्राले च 10 टन कूड़ा जो एक ट्राले हों, 10 टन कूड़ा जोड़ा वा कि बटाले च 20 टन 25 टन तो वो कूड़ा नहीं रोजता निकल आना, पर नहीं यूज़ करना। कोई ना कोई मिली भगती हैगी है जो उस चीज़ यूज नहीं करते। बारे कमिश्नर साहब न पता नहीं किन्नी बारी कह चुके हैं, कूड़े की पिटीशन यह है भी ठेकेदार काम देता जाता, कभी बहाना बना देता जगह है नहीं, कभी बहाना बना देंगे बंदे है नहीं, जबकि बाकी जगह तो चुकया जाता। इतने इस इलाके जेल यह है भी 8-8 दिन कूड़ा नहीं रहता चुकया जाता, जबकि बिल्कुल नाल आंढ़ गुआंढ़ लोग रेंदे ने, मेन इलाका वा है, लोगों की आवाजाही है, लंघन लोगों को राह है नहीं। यह कूड़ा जो बरसात हो जाती है लोगों के घर वड़ता वा, सीवरेज बंद करता वा, इन्हों कोई परवाह नहीं भी यही चुकना वा, बहाना कोई ना कोई तैयार आ, जबकि अज संडे होने बाद बावजूद भी जो ये फोटो वायरल हुई वा अज इन्होंने संडे ठेकेदार कि कह के ट्राली भेज दी, ये सिर्फ प्रशासन की लापरवाही है और मिली भगत है जोड़ा ये काम नहीं हो रहा। अगर प्रशासन चाहे तो टाइम से सारा जवाबदेही भी ला सकता, ठेकेदारों को प्राइवेट को काम है क्यों नहीं पुछता, वो ठेकेदारों की एक जगह मजबूरी हो सकती है, बाकी जगह शहर से चुकया जाता, खासकर भंडारी महल क्यों नहीं चुकया जाता। ये लोगों को सिर्फ एक तंग करने का तरीका वा और प्रशासन ये पूरी तरह मिली भगत आ। असी प्रशासन को कह कह के थक गए, जो अं जाते हैं वो कहें कल तुम हो आके जवाब केंद्र, बाकी लोग कोई नहीं बोलते कि एक बंदा बोले तो मतलब नहीं चुकना। असी प्रशासन तो चाहिए भी सारे लोगों की देखे भी लोगों की तंगी आ रही है, पर प्रशासन ने इस बारे अखा बंद की दी। असी 15 दिन पहला भी किया, बारों बार कमिश्नर साहब रौन ला के चले गए, इस इलाके तक आने की जहमत ही नहीं की। प्रशासन अपनी जिम्मेवारी निभानी पैनी है,
ये लोकशाही आ, ये लोगों की गल सुननी पैनी है और लोगों के काम करने पैने। ये नहीं है भी तुम लोगों के काम बंद कर दोगे तो लोगों को परेशान करोगे तो लोग चुप रहेंगे। जानकारी देते हुए इलाका निवासियों ने बताया कि हमारी जो वार्ड है वो भाजपा की वार्ड है और इस वार्ड में लगातार भाजपा का ही काउंसिल आ रहा है, जिसकी वजह से राजनीतिक रंग देने के लिए उसी वार्ड के काम नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर भाजपा के काउंसिल हैं। लायंस क्लब की तरफ से 1 करोड़ खर्च करके बटाला प्रशासन को शहर से गंदगी उठाने के लिए मशीनरी भी दी गई है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता और 10-10 दिन तक शहर में कूड़े के ढेर लगे होते हैं। जब शहर के लोग इकट्ठे होकर प्रशासन खिलाफ बोलते हैं तो उस समय नालायकी छुपाने के लिए कूड़ा उठाया जाता है। आज भी जब सोशल मीडिया पर स्वच्छ भारत की फोटो वायरल की गई तो उसी समय रविवार वाले दिन ही प्रशासन द्वारा कूड़ा उठाना शुरू हो गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।